तो आज खाना बनाने जा रही हूँ मैं, और बस भगवान जी से प्रे करती हूँ कि ब्लास्ट ब्लास्ट ना कर दूँ मैं खाना बनाते समय। तो भाई सेट कर दिया है, बड़ी मुश्किल से सेट हुआ है। तो चलो मम्मी रेडी हो गई आप, अब चलो। ये देखो ये निकल आया, बिल्कुल कोने में आया, बिल्कुल लाल लाल था। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग राधे राधे सभी को। एंड आज है करवा चौथ, तो अभी मैंने अभी तक नहाया नहीं और पूजा भी नहीं किया है, क्योंकि आज कमवाली आंटी आएंगी नहीं, तो झाड़ू पोछा हमें ही करना है। तो झाड़ू तो लगा दी मैंने, माधव गया था अपने ट्यूशन और अभी आता होगा वो। पापा भी शेविंग वगैरह करवाने गए हैं, आज उनकी छुट्टी है। और मम्मी की मेहंदी नहीं लग पाई है अभी तक, क्योंकि बहुत काम था घर में और साफ़ सफाई चल रही है, तो इस वजह से बहुत बिजी हो गए थे। और तो अभी मम्मी के मेहंदी लगाते हैं, क्योंकि थोड़ा तो शगुन का होता है ये करम चौथ पे। तो मम्मी मना कर रही है ऐसे गोल गोल लगाने की, कह रही है बट लगा देते हैं, कौन सा मिलता है बार बार। अभी मम्मी की मेहंदी लगाते हैं और फाइनल दिखाती हूँ मैं कैसी लगाई मैंने मेहंदी। तो फाइनली मम्मी की मेहंदी लग गई है, दिखाओ। ये है, हो गई है ना मैं प्रोफेशनल, सिर्फ 2 घंटे में लगाई है, इतनी सी इतनी सी 2 घंटे में लगाई है। 2 घंटे में तो पता नहीं कितने हाथ लग जाते हैं। हूँ कि नहीं मैं प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल लोगों का काम है, एक बिल्कुल बारीक बारीक से मजाक कर रही हूँ, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। मेरे हाथ देख लो लगाते समय कैसे हो रहे हैं। और किसी लगाई है, अच्छी लग रही है, इतनी सही है, बेकार भी नहीं है। हाँ मम्मी लगवा नहीं रही थी, सिर्फ गोल गोल लगवा रही थी, मैंने कहा लगवा लो, यही मौका मिलता है, कौन कौन सा लगाती हूँ मैं, प्रोफेशनल लोग नहीं लगाते इतनी जल्दी। तो आज है करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ सभी भाभियों को, माताओं को, सिस्टर को। तो अभी मम्मी होंगी रेडी शाम को, शाम को फुल रेडी होंगी मम्मी। अभी तो मेहंदी लगवाई है, क्योंकि अभी पहले टाइम नहीं मिला था, तो आज ही के दिन लगवाई है। यस और 2 कीप खत्म कर दिए मैंने इसमें, ढाई ढाई मतलब 2 ही हो गई उसमें। माधव गया है ट्यूशन, वो आएगा अभी, अभी आप इसे सुखा लो यहाँ पे बैठ के, ठीक है, आराम कर। टाइम वेस्ट क्या कर रही हो, छोटी छोटी सी तो है, गोल गोल ये आगे तो आगे। क्या हो गया माधव, क्या हो गया, अरे चढ़ गया तेरे इसके ऊपर, क्यों भाई क्यों चढ़ गई, हटे ये, कल रात को भी आया था वो, उधर सो रही है। तो माधव आ गए और आते ही इन्होंने टीवी स्टार्ट कर दिया है, तो माधव तो अब टीवी देखेंगे, है ना माधव, ठीक है। तो जी अभी पूजा वूजा सब हो गया है, और तो आज खाना बनाने जा रही हूँ मैं, और बस भगवान जी से प्रे करती हूँ कि ब्लास्ट ब्लास्ट ना कर दूं मैं खाना बनाते समय। ऐसा तो कुछ नहीं करती, अच्छा बनाती हूँ मैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो मैं बनाऊंगी चावल, तो आपको और नई चीज दिखाती हूँ, देखो ये है हमारा रूम जो कि पूरा चेंज हो चुका है, न्यू सोफे, न्यू टेबल, न्यू झूला कह सकते हो, न्यू अलमीरा हमारे पढ़ने के लिए, और ये माधव, ये तो पुराना ही है माधव। तो हमने यहाँ पे जो पुराना वाला सोफ़ा था ना वो हटा दिया, क्योंकि बहुत ही ख़राब हो चुका था वो, और बैठने लायक बिल्कुल नहीं बचा था, तो इस वजह से ये हमने ले लिया, पूरा सेट है, इसके साथ 2 स्टूल हैं वो और उधर रखा है, और ये पूरा पेयर है इसके साथ ही, ये पूरा सेटअप, और ये अलग से है झूला जो कि इसी पे पड़े रहेंगे अब के बाद। और ये भी इसी के साथ आया था बैठने के लिए, अभी हमने इसको अच्छे से खोला नहीं है, और इसको भी स्टूल वगैरह को भी नहीं खोला, और ये भी नहीं खोला, बस सोफ़ा की पन्नी हटा दी है और इसके ऊपर शीशा है, और हमने इस अलमीरा में अपनी किताब कॉपी भी फिट कर लिया है, इसमें रखा हुआ है सब।
तो हमारी जो अलमीरा थी कंप्यूटर पे जो रखा रहता था, वो उसमें छोटी अलमीरा थी, मतलब बहुत छोटा था, उसमें सेट नहीं हो पाता था। तो ये एक बड़ी लंबी, मतलब इसमें मेरी और माधव की सेट हो जाएगा इसमें सब सामान। और ये मतलब ये सारा सामान हमारे बजट में आ गया, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ा। अलीपुर से देख रहे थे सोफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा कुछ बता रहे थे, बहुत महंगा। बट आगे जाके थोड़ा संबोला की तरफ, जहाँ पे पापा को ऑफिस वगैरह है, तो वहाँ पे है, वहाँ पे मार्केट पूरा इसी चीज़ का है, तो वहाँ पे सही बजट में मिल गया। और तभी हम इकट्ठा ले आए मम्मी और पापा ये सब सारा सामान। और यही था दिवाली का नया सामान हमारे यहाँ, मतलब अभी दिवाली आई नहीं है, मतलब आ गया है अब सामान, आ गया नया। और अभी इसका खोल दिया पन्नी वन्नी, बस स्टूल और टेबल का नहीं खोला है पन्नी, और इसका भी नहीं खोला है। एक अलमीरा तो ये है जिसमें किताब कॉपी रखी है, और एक अलमीरा है इससे छोटी जो शूज़ और जूते चप्पल के लिए है, वो भी दिखाती हूँ। छोटी वाली ये रही जिसमें जूते चप्पल रखे हैं, ऊपर हमने ये लगा दिया है, इसके अंदर रखे हैं, इसकी चाबी भी है, इसको लॉक कर सकते हैं। और बाहर ऐसे ही रहते थे जूते वगैरह, तो अब इसमें सेफ रहेंगे, अब घर के अंदर ही रहेंगे, वैसे बाहर उतारते थे हम। अब ये अलग से बन गया ना, तो पूरा मैसअप नहीं होगा, जैसे बिखरे रहते थे ना जूते चप्पल, तो अब ठीक रहेगा इसमें। तो अभी खाना आ गया है, चावल और दही खाते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज। तो मम्मी रेडी हो गई हैं, और मम्मी को रेडी कर दिया मैंने, दिखा दो सबको, अच्छी लग रही हो। हाँ, बाल थोड़े कर्ल कर दिया, जल्दी जल्दी किया है सब, तो ऐसा ही है। और ये साड़ी पहन रखी है, तो ये रहा मम्मी का लुक। अभी पीछे से पल्लू लेंगी ना, पल्लू कैसे लोगे दिखाओ। हाँ वही है, हाँ तो ऐसे आएगा। अभी पूजा वूजा सब करना है तैयारी, और ये रही हमारी दुल्हन। चलो अब पूजा की तैयारी करे। पापा लेके आए हैं मम्मी के लिए गजरा, गजरा ही कहते हैं ना, हर बार लेके आते हैं, तो अच्छे से लगाना, हेयर स्टाइल बिगड़नी नहीं चाहिए। अच्छा, उसकी मेहनत है। हाँ, बाद में मैं सेट कर दूंगी। लगाते कहते हैं, पिन लगा दियो उसमें, लगा दो, लगाओ। तो भाई सेट कर दिया है, बड़ी मुश्किल से सेट हुआ है। तो चलो मम्मी रेडी हो गई हैं, अब चलो पूजा करते हैं। चलो चलो पूजा स्टार्ट होने जा रही है। ये रही करवा चौथ की माता, माता रानी की तस्वीर लगा दी है और दिया जला दिया। अब कहानी पढ़ेंगी मम्मी। ये देखो ये निकल आया, बिल्कुल कोने में आया, बिल्कुल लाल लाल सा, पता भी नहीं चल रहा है कहाँ छुप के बैठा है ये दरार में। तो चलो आ गए मम्मी पापा, वो रहे वो रहे। मतलब की चीज आई है हमारे, मतलब की वो है रस मलाई। पहले पूजा कह रही है पहले भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद खाएंगे।
आ गया हमारा खाना, आलू बैंगन की सब्जी, पूरी, रायता और ये है मेन चीज रसमलाई, रसमलाई, रसमलाई। तो जल्दी जल्दी खाते हैं। और माधव एक्साइटेड हो रसमलाई खाने के लिए? बहुत, वेरी गुड, ऐसी लगे रहो रसमलाई के लिए। तो खाते हैं चलो। तो इसी के साथ मैं व्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। खाना पीना सब हो चुका है और रसमलाई भी खा चुके हैं हम, जो कि बहुत अच्छी थी। बस भगवान जी को सुलाएंगे और सोएंगे। और इसी के साथ मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, राधे कृष्णा एंड बाय।